नमस्कार। आज हम सब लोग एकत्र हैं एक ऐसे विषय को लेकर के, हमने आमंत्रित किया है ज्योतिष की काल गणना और समय के साथ में उसका क्या तारतम्य है, क्या उसका संतुलन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए डॉक्टर अरुण मंचल हमारे साथ हैं, श्री गुरदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, जयपुर से हमारे साथ हैं अनुपम जोली जी। जोली साहब, एक प्रश्न मेरा ये है कि जो पिछले एक वर्ष में बहुत सारी घटनाएं हुई, उसमें बहुत सारे महानुभाव ने अपना अपना विषय रखा, अपने अपने विषय के माध्यम से लोगों ने भविष्यवाणियां की, लेकिन उसमें एक फर्क नजर आया कि बहुत स्पष्ट नहीं हो सका कि ज्योतिष के आधार पर ये क्या समस्या आई है सारी विश्व के सामने और कितने दिन चलेगी, इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं हो सका। मेरा सवाल है कि ऐसी क्या कमी रही होगी हमारी कालगणना में कि जो ये चीजें स्पष्ट नहीं हो सकी। बहुत अच्छा प्रश्न है सुभेश जी आपका। मैं इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ, क्यों ज्योतिषी फेल हुए, क्यों हमारी गलतियां हुई, क्योंकि हम इंसान है, भगवान नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो आधार है वो आसमान है, आसमान में ग्रहों की स्थिति को देखना हमारा आधार है। तो हम लोगों ने, जो जनरल ज्योतिषियों ने या हम सब ने मिलकर जो सबसे पहले उसका कारण खोजा कि क्या कारण हो सकता है कि ये कोरोना हमारे जीवन में आया, तो हमें उसकी जो बैक में दिखा कि दिसंबर में एक ग्रहण हुआ था, तो हमने उसको पकड़ लिया कि ये ग्रहण हुआ दिसंबर में, उसके बाद से कोरोना संसार में आ गया 2019 के दिसंबर में। पर अब हमने कहा कि ये खत्म कब होगा, ये हमारा सेकंड टास्क था। तो उस टास्क को समझने के लिए हमने जो अपना कयास लगाया, मैं ईमानदारी से बोलूंगा, इसे कयास शब्द बोलूंगा, क्योंकि हमारे पास आसमान में परिवर्तन को देख कर ही हम उसके अर्थ निकालते हैं। तो हमने पहला कयास लगाया कि अगर ये राहु केतु जिसपे ग्रहण हुआ है, ये राहु केतु नक्षत्र बदल लेंगे तो शायद कोरोना चले जाएगा। जून में नक्षत्र बदल गया, कोरोना नहीं गया। फिर हमारा दूसरा कयास था कि शायद राशि परिवर्तन हो जाएगा तो कोरोना चले जाएगा। तो सितंबर में राशि परिवर्तन भी हो गया, कोरोना नहीं गया। तो ऐसे में मेरे जो अपने पर्सनल डॉक्टर थे, मैं उनसे बातचीत कर रहा था, फिजिशियन थे, तो उन्होंने कहा देख अनुपम, संसार में कोई भी चीज आती है ऐसे जाती नहीं है, बीमारी कभी खत्म नहीं होती। टीबी जो है वो आज भी विद्यमान है, पर हमें उसका डर नहीं है। टीबी भी छुआछूत है, एक से दूसरे को फैलती है। आज भी लोगों को टीबी होता है, हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज करा लेते हैं, पर उसका कोई भय और डर नहीं है। ऐसे कोरोना खत्म नहीं हो सकता जो आप लोग कह रहे हो ज्योतिष में खत्म हो जाएगा, पर उसका भय खत्म हो जाएगा, हम उसके सही इलाज पर पहुंच जाएंगे। तो मैं सुवेश जी आगे का कयास अपना बता देता हूं, जो मैंने लगाया और अपने चिंतन से लगाया। तो जैसे कि मैंने बोला कि पहला नक्षत्र परिवर्तन पे कुछ नहीं हुआ, राशि परिवर्तन पे कुछ नहीं हुआ, तो अब मुझे लगता है कि जो हमारे बृहस्पति देव हैं, जो जिनकी कृपा शायद ज्योतिष में सबसे ज्यादा मानी जाती है, अभी मकर राशि पे संचरण कर रहे हैं। और मकर राशि पे संचरण कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने दिल्ली में जस्ट कोरोना से पहले एक प्रोग्राम किया था, आप ही ने आयोजित किया था और मैं, मेरे को बुलाया भी था उसके अंदर, जिसमें आपने रमल का मुझे अवार्ड भी दिया था। उसका विषय था नक्षत्र, याद हो तो, नक्षत्र और गाय, गो और नक्षत्र पे विषय था। और उसमें एक बात बोली गई थी किसी श्रीमान ने, मुझे याद नहीं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा कि जो 27 नक्षत्र है उसमें एक नक्षत्र है, उसका नाम है शतविषा। शतविषा का मतलब होता है 100 डॉक्टर की शक्ति। तो यहां पर मुझे लगता है कि जब बृहस्पति संचरण करेंगे कुंभ राशि में, और कुंभ राशि में जब बृहस्पति के भी जीव है, बृहस्पति जीवन देने की शक्ति है, बृहस्पति ईश कृपा है, जब वो शतविषा नक्षत्र से गुजरेंगे कुंभ राशि के, जो 100 डॉक्टरों की शक्ति जिसके अंदर है, जिस नक्षत्र के अंदर, वो शायद उस समय पे बहुत ही, 100 डॉक्टर का मतलब है पूरे विश्व में एक बड़े रूप में इसका इलाज हो सकता है। पर अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये भी कयास है, क्योंकि हम आसमान पे निर्भर है, आसमान की गतिविधियों पे निर्भर है, और उसी पर ही हम लोग कयास लगाते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट कयास है वो बृहस्पति के शतविषा नक्षत्र के संचरण में विश्व के अंदर, मतलब 100 डॉक्टर का मतलब एक अनंत शक्ति के रूप, जैसे वैक्सीन का सही रूप आ जाएगा या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हम इससे शायद एक कदम आगे बढ़ जाएं और निजात पा लें। मेरा ये सवाल जोली जी, मेरा ये कहना है कि हमने बहुत सारी गणनाएं की और आगे की गणना भी अभी हम कर रहे हैं, इस पे बात भी कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, आपने इस विषय को एक नए शोध के साथ में रखा है कि शतमिका के जो है बहुत सारे समाधान, शतमिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले और शतमिका नक्षत्र का जो काम करने का, जो उसकी जो अपनी एक शक्ति है, वो 100 बीमारियों का एक इलाज है, उसमें 100 बिक होते हैं। हमारे यहाँ राजस्थानी में भी एक कहावत है कि जिसमें अंदर क्या छुपा हुआ है, कितने रहस्यमय है। तो ऐसा मैं सोचता हूँ कि अगर रहस्यमय है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बृहस्पति
जो है कुंभ राशि में आकर के और कुछ नए वायरस छोड़ देंगे या कुछ ऐसी नई चीजें सोची सोची चीजें लाके खड़ी कर देंगे जिनके, क्योंकि अभी अतिचारी तो है ही बृहस्पति। जब कोई ग्रह बहुत ज्यादा आगे पीछे होता है तो उसमें फर्क तो पड़ता है कि वो अपने चाल को, कोई व्यक्ति बार बार अपने घर से अंदर आ रहा है, बाहर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, इस प्रकार का व्यवहारिकता में भी जब कोई चीजें सामने आती हैं तो फर्क तो पड़ता है। मेरा अगला सवाल जो है वो गुरदीप जी से है कि क्या आपको लगता है कि शतपिखा में आने पर बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आ पाएगा? गुरदीप जी, चुमन जी, मैं आप कुछ इतिहास में पीछे एक साल लेके चलता हूँ पहले आपसे। एक साल पहले जब दिल्ली में दंगे हुए थे तब मंगल का संचरण छठे घर में चल रहा था इंडिया का, राहु से एस्पेक्टेड चल रहे थे जब ये दंगे पहली बार शुरू हुए। फिर मंगल वहां से, जब तक मंगल छठे घर में रहा दंगे चलते रहे, फिर मंगल बीच में सातवें घर में आया। जब सातवें घर में आया वहां पावरफुल पोजीशन में था, दंगे रुक गए। फिर सब सातवें से आठवें में आया जहां पे ग्रहण लगा, जहां पे सारा ये काम तमाम हुआ, कोरोना भी आया, शेयर बाजार बहुत बुरी तरह से गिरा। अब मैं वहां पे लेके चलता हूँ। वहां पे वरामी ने एक और बात कही है कि एक महीने में दो बार अगर कोई दो बार ग्रहण लगेगा तो किसी न किसी राष्ट्र का सेनाध्यक्ष मारा जाएगा या राष्ट्र का सबसे बड़ा अध्यक्ष मारा जाएगा। तो वहां 10 जनवरी से पहले पहले ईरान और अमेरिका की लड़ाई छिड़ गई, वो लड़ाई खूनी लड़ाई में कन्वर्ट हो गई। और वहां पे ईरान का एक सेनाध्यक्ष शायद बाहर कहीं गया हुआ था दूसरी कंट्री में, अमेरिका ने उसको टारगेट करके मार दिया। ठीक है, तो वहीं पे हमारे कोरोना का जन्म हुआ। जो जितना मैं समझता हूँ उस कोरोना को, केतु और शनि के बीच में जुपिटर महाराज जो कि हमारे जीव है, देवगुरु बृहस्पति फंसे हुए थे। जब देवगुरु बृहस्पति उनके बीच में फंसे हुए थे वहीं कोरोना का जन्म हुआ, वहीं शेयर मार्केट का फॉल हुआ। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जीव है, देवगुरु बृहस्पति फाइनेंस मार्केट को भी गवर्न करते हैं जैसा कि हम जानते हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति बीच में फंसे हुए तो बहुत, मतलब चारों तरफ से यहां से कोरोना आया, वहां से दंगे भड़क गए, तो वो बहुत बुरी सिचुएशन थी। तो मैंने उसमें एक पोस्ट भी डाल, और वो अग्नि तत्व राशि भी थी, समझने वाला खेल ये भी है, वो अग्नि तत्व राशि थी जहां शनि और जुपिटर का मिलन हो रहा था। तो शनि और जुपिटर का जिस घर में मिलन होता है एक तो उस घर के फल फलीभूत हो जाते हैं, तो उस घर में कोरोना नाम की बीमारी का जन्म हुआ। अब पीछे 21 दिसंबर को यह बोला गया कि ये डिग्री काट जाएगा, तो उस दिन वहां पे इंग्लैंड में कुछ गड़बड़ शुरू हुई। मेरा यह पर्सनल मानना है कि जैसे जैसे जुपिटर की डिग्री शनि से आगे चलती जाएगी, ये कोरोना का कोई ना कोई समाधान हमारे सामने आ जाएगा। हमें ऐसा है, हाँ जी हाँ जी, बताइए बताइए। मैं एक चीज और बोलता हूँ, क्योंकि सैटर्न और जुपिटर का मकर राशि में गोचर चल रहा है, तो मकर राशि में गोचर चल रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से थर्ड हाउस को देख रहा है, जो कि इंडिया में 4-5 ग्रह बैठे हुए हैं, वहां वीनस भी बैठा हुआ है हमारे देश का लग्न का लॉर्ड। तो कुछ ना कुछ बेटर यहाँ पे होने जा रहा है, क्योंकि शनि और जुपिटर है ना, जिस भी जब भी मैंने देखा देश किसी देश के या लगन के लॉर्ड को कहीं भी देखते हैं कुछ ना कुछ बेटर कर जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ औषधि सामने आ जाएगी, और ये जो जितनी भी अभी दवाइयां सामने आने की बातें हो रही हैं, मुझे लगता है ये प्रयास सक्सेसफुल हो जाएगा। आपकी बात से मैं कहीं ना कहीं सहमत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब हम चीजों को पूरी तरह स्पष्ट करने की बात करते हैं तो फिर भी हमारा अनुमान जो है उसमें कहीं ना कहीं अनुमानित की बात ही हम कर पाते हैं। ये ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से हम बहुत सारी सटीकता कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें और आनी चाहिए या कुछ ऐसा इसमें शामिल होना चाहिए, उसकी शोध के तरीके हो सकते हैं, या हम ग्रंथों का ठीक से अध्ययन नहीं कर पाते, या हम शायद विज्ञान का उसमें पूरा सहारा नहीं ले पाते। इसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐसी रह जाती हैं जो स्पष्ट नहीं हो पाती। मेरा अगला प्रश्न जो है डॉक्टर अरुण बंसल साहब से है कि ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं कि भाई हमने पिछली घटनाओं के साथ भी गुरदीप जी ने इसको कनेक्ट किया कि भाई मंगल ऐसी स्थिति में था तो दिल्ली में दंगे हुए या माहौल खराब हुआ, लेकिन अब भी मैं ऐसा सोचता हूं कि क्या हम इस बीमारी, इस वायरस, इस परेशानी से किस समय तक जाकर के एक ऐसा स्पष्टीकरण आना चाहिए ज्योतिष में अब तो कम से कम, क्योंकि एक वर्ष हो गया हम लोगों को इस विषय पर शोध करते करते, एक वर्ष के शोध के बाद तो कुछ चीजें स्पष्ट हो जानी चाहिए।
डॉक्टर बंसल साहब से मेरा ये प्रश्न है कि आपको क्या लगता है कि अब इसमें क्या होने वाला है। डॉक्टर अरुण बंसल जी। हाँ जी, नमस्कार सभी ज्योतिष बंधुओं को। और सीधी बात तो ये है, देखिए पहले पहली बात तो ये लोगों का ये क्वेश्चन है कि जी ज्योतिषी पहले से क्यों नहीं बता पाए इस बड़ी इतनी बड़ी आपदा को। तो मेरा कहना इस बारे में ये है कि ज्योतिषी खुदा नहीं है, ये भी एक ज्ञान है और ज्ञान की एक सीमा होती है। ज्ञान जो है, हम सबसे पहली बात तो यह है, ज्ञान में एक प्रश्न उठना चाहिए कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ज्योतिषी के मन में क्योंकि ये सबसे सबने पहली बार देखा है, कोई भी ऐसा ज्योतिषी नहीं है जिसने पहले दूसरी बार देखा हो इस तरह की आपदा, तो प्रश्न ही माइंड में किसी के जब नहीं उठा, ना कॉमन आदमी के, ना किसी ने सवाल पूछा भाई। ऐसा भी तो होता है ना, आदमी आता है ज्योतिषी के पास, सवाल पूछता है कि जी हमारा ये प्रॉब्लम है, इसका क्या समाधान है। तो हमारे पास भी तो किसी ने सवाल नहीं पूछा आके कि ये आपदा, कोई ऐसी आपदा तो नहीं आ सकती है। तो ज्योतिषी की अपनी लिमिटेशन है, और इस तरह के जो है, जो सवाल जवाब होते हैं वो इतने फ्रीक्वेंटली तो होते नहीं है। 100 साल में एक बार होता है, 100 साल में, 200 साल में, 500 साल में एक बार होती है चीजें। तो वो ज्योतिष में इतनी क्लियरली स्पष्ट रूप में नहीं लिखी हुई है और ना ही उनके समाधान लिखे हुए हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि अगर इसके बाद जब हो भी गया तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि लोगों ने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं एस्टिमेट कर पाए। कुछ एस्टिमेशन गलत हो जाते हैं, वो बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे एस्टिमेशन गलत हुए। जैसे कि हमने जब ये हुआ था उसके बाद उसमें स्पष्ट रूप से भी बताया था कि अब तक क्या इसका सॉल्यूशन होगा। तो वहां पर यही बात आई थी कि देखिए शुरुआत कैसे हुई, 100 साल पहले भी ये फ्लू हुआ था, और वो फ्लू जो हुआ था उसमें कॉम्बिनेशन क्या थे, केतु गुरु और शनि के कॉम्बिनेशन थे तीनों। ये तीनों के कॉम्बिनेशन जो है 100 साल से पहले दोबारा नहीं आ पाते हैं, तो ये इसीलिए ये इस वक्त आया। ये जब धनु में तीनों की तीनों कॉम्बिनेशन, तीनों ग्रह इकट्ठे हुए, और वो केतु जो है अपनी उच्च राशि पे आया, प्रबल हो गया, तब ये केतु क्या है, वो एक तरह से वायरस का रूप है, उसका सिर्फ धड़ है, उसका कोई सिर नहीं है। राहु जो है बैक्टीरिया का रूप है, तो बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स आती है राहु के कारण और वायरल प्रॉब्लम आती है केतु के कारण। और ये जो केतु है, केतु इतना प्रबल हो गया और केतु उस साथ में गिर गया वो गुरु और शनि से। तो ये तीनों जो बड़े ग्रह हैं हमारे ज्योतिष में, और तो कोई ग्रह है नहीं इसके अलावा, बाकी तो सब फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं, सूर्य चंद्र मंगल वगैरह जो है सब फास्ट मूविंग है, इन्हीं का ही स्लो मोशन होता है। और इन ये तीनों जब ग्रह इकट्ठे हुए तो इन्होंने ये अपना वायरस का जन्म दिया। और ये खत्म भी कब होंगे, जब ये तीनों सेपरेट आउट हो जाएंगे। ये हमारा बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन था, डिमार्केशन था, और यही हमने चर्चा करी थी और कहा था कि देखिए ये अब दूर कब होंगे। अभी ये केतु राशि परिवर्तन करा सितंबर में, तो उससे लेकिन गुरु और शनि तो साथ ही रहे थे, तो वो बहुत दूर नहीं हुए थे। तो अभी गुरु शनि, गुरु अभी शनि के ऊपर से क्रॉस होके चुके हैं और अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की तरफ चले हैं, तो अब वो अप्रैल तक थोड़ा सा आगे हो जाएंगे। और केतु भी जो है वो अपनी उच्च राशि से, अब क्या है कि केतु के बारे में दो उच्च राशियां हैं, एक तो 15 डिग्री की धनु की है और एक 15 डिग्री वृश्चिक की है। यूं मान लीजिए कि दो उच्च राशियों, दो राशियों के बीच में जब तक वो रहता है वो उच्च का ही रहता है, 15 डिग्री धनु से लेके 15 डिग्री वृश्चिक तक। तो उस इतना टाइम क्रॉस करने में उसे 1.5 साल लगता है। तो ये नवंबर से लेके और अप्रैल 2021 तक पूरा 1.5 साल ही हो जाएगा लगभग। तो ये इस तरह से कह सकते हैं कि वो उच्च राशि से आगे निकलना शुरू हो जाएगा। तब मेन जो अंत इसका आना है, अंत कह लीजिए उसे, जो भी है, चाहे भय खत्म होना कह लीजिए, जो भी कहे, जिस भी शब्द में कहे, वो होगा इस केतु के अपनी उच्च राशि से क्रॉस कर जाने पर, 15 डिग्री वृश्चिक से क्रॉस कर जाने पर। और समाप्ति होने के लिए हो सकता है कि इस वृश्चिक राशि को भी पूरा क्रॉस करे अपना, तब उसकी बात समाप्ति हो। तो मतलब यह है कि जो गोचर है वो कहीं पर एक तरह से इंडिकेशन तो दे रहे हैं कि ये क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और अभी जो इतना बड़ा भी
देखिए गुरु और शनि सारे इकट्ठे बिल्कुल एकदम क्लोज हो गए, केतु अपने उच्च राशि में ही थे एक तरह से, धनु में, धनु के बाद वृश्चिक, मकर पहले धनु में थे, अब उसके बाद वृश्चिक में आए, तो वो भी उच्च राशि है उसकी, तो वो उच्च राशि में ही है, और गुरु और शनि जो है और क्लोज हो गए, क्लोज होते होते इतना हो गया कि बिल्कुल क्रॉस ही किया है अभी गुरु शनि के ऊपर से, तो इसलिए अभी खत्म हो जाने का ऐसा कोई अनुमान पहले नहीं था। पहले भी अनुमान यही था कि मार्च अप्रैल तक जाके ये कंट्रोल में आएगा, और समाप्ति जो है उसकी और 9 महीने लग सकते हैं, जबकि 9 महीने में वो 15 डिग्री केतु और आगे चले जाएंगे, यानी कि ये साल जो 2021 का साल है लगभग पूरा समाप्त हो जाएगा, जब तक गुरु भी जो है अपनी इस मकर कुंभ राशि से आगे निकल जाएंगे। अभी मकर में है, मकर में तो नीच के हैं, वैसे ही कोई बहुत अच्छा शुभ फल नहीं दे पाते हैं, और कुंभ राशि से भी निकल के मीन राशि में जब आ जाएंगे स्वस्थ उनकी प्रवृत्ति हो जाएगी, अपनी स्वराशि में आ जाएंगे, तो डेफिनेटली वो बेटर करेंगे और वहां पर उनका ये इससे इजाद मिलेगा। तो दूसरी बात यह है कि क्या हम इस तरह की घटनाओं को पहले से बता सकते हैं? देखिए हमारे पास बहुत थोड़े से फॉर्मूले हैं, ज्योतिष में जो रूल्स हैं, जो ग्रह ग्रह हैं वो तो 9 ही ग्रह हैं, 9 ग्रहों के ऊपर बेस्ड होकर हमारे पास थोड़े से रूल्स हैं, तो वो उन रूल्स के अनुसार ही तो हम बताते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये जरूर कहा जा सकता है कि ये जो सारा की सारा प्रभाव है ये ग्रहों का ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि इस जो सारी सृष्टि चल रही है ये सारी की सारी एक ही फोर्स के ऊपर चल रही है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा सबको बांधे हुए है कि पृथ्वी जो है पूरे एक साल में चक्कर लगाती है, 1 सेकंड का भी अंतर नहीं आता, मिली सेकंड का भी अंतर नहीं आता है, और वो फिर भी उतने ही टाइम में दोबारा से फिर आ जाती है उसी पोजिशन पर, तो और भी बाकी ग्रह सारे की सारे चल रहे हैं, सारे एक ही फोर्स से कैलकुलेट होते हैं, जब हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी गणना करते हैं तो और तो कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक हमारे पास न्यूटन्स लॉ है, ग्रेविटेशन है, या जो भी इसके केपलर्स लॉ है, केपलर्स लॉ भी जो है वो न्यूटन्स लॉ का ही एक उसी का ही एक्सटेंडेड रूप है, तो सारी की सारी गणनाएं एक ही रूप पे हो रही है। दूसरा अभी आप ये देख रहे हैं कि हमारे समुद्र में ज्वार भाटा आती है, इतना पानी ऊपर चढ़ जाता है, दिन में 2 बार पानी ऊपर चढ़ जाता है, फिर 2 बार नीचे चला जाता है, सारी की सारी क्या गणना है, ये भी तो वही है, चंद्रमा जो है वो उस पोर्शन में 10th हाउस में आ जाता है या 4th हाउस में आ जाता है, तो वो फिर जो है वो वहां पे हाई टाइड आ जाती है, और जब लगन में चला जाता है या सप्तम भाव में चला जाता है तो लो टाइड हो जाती है, तो कितना सिंपल फॉर्मूला है। ज्योतिष में ये सारी चीजें बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ज्योतिष है क्या, जो हम कुंडली देखते हैं वो कुछ नहीं है बल्कि जो आसमान है उसका ही एक कंडेंस्ड फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म है, जो कि हम कागज पे उतार लेते हैं, जिससे कि हम जैसे कि एक घर का नक्शा हम कागज में बनाते हैं, मैप बनाते हैं, और उसके बाद उसकी स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या जो भी डिसाइड करते हैं, तो इसी प्रकार से हम आसमान का भी जो नक्शा है वो हमने कुंडली की फॉर्म में बना रखा है, और इतना सिंप्लीफाई बन कर रखा है कि उसी से हम बहुत सारी बातें देख लेते हैं, जैसे कि जी हाँ जी अब अगर आपको देखना है ग्रहण कब आएगा, जब राहु के ऊपर सूर्य या चंद्र आ जाए राहु केतु के ऊपर तो ये ग्रहण आ जाएगा, तो इतना आसान हो जाता है। ऐसे ही जब जो अब अर्थक्वेक देखने हो, अर्थक्वेक कब आएंगे, बहुत सिंपल है कि जब सारे ग्रह एक डायरेक्शन में आ जाए 60 डिग्री के अंदर अंदर आ जाए, तो जो अर्थक्वेक से बड़े बड़े अर्थक्वेक आएंगे, या फिर दोनों आमने सामने हो जाएं और जो है बीच में एक कोई एक ग्रह अटका हुआ हो या चंद्रमा आ जाए, तो इस तरह से ये जो ज्योतिष है सारा की सारा ज्योतिष भी कह लीजिए या सारी की सारी सृष्टि कह लीजिए, सृष्टि जो है वो एक फॉर्मूले पे चल रही है, वो है ग्रेविटेशनल लॉ, और ग्रेविटेशनल लॉ को अगर हमने स्टडी करना है तो लॉन्ग टर्म में स्टडी करना है तो ज्योतिष से बड़ा बढ़िया कोई शास्त्र नहीं है, अभी कहीं पे इस तरह की गणनाएं और इस तरह की स्टडीज नहीं होती है किसी और शास्त्र में, तो एक एक्सटेंडेड रूप है, साइंस का एक एक्सटेंडेड रूप है। आपका म्यूट हो रखा है शर्मन जी, म्यूट हटाइए शर्मन जी, शर्मन जी आपका मोबाइल म्यूट है,
साउंड बंद है आपका, साउंड ऑन करिए। तो कुल मिला के मैंने मानना है कि हमें ज्योतिष को मतलब नकारना नहीं चाहिए, ये भी पूरा साइंटिफिक है, इट इज नथिंग बट एस्ट्रोनॉमिकल साइंस अप्लाइड टू ह्यूमन बॉडी, यही है और कुछ नहीं है। इसको हमें मतलब जो जिस प्रकार से हमारे ग्रह पृथ्वी पर काम करते हैं, जिस तरह से वो ज्वार भाटा लाते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी ज्वार भाटा लाते हैं, और वो उसी प्रकार उसी को हम स्टडी करते हैं और उसी से हम आगे प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, और उन्हीं का ही जो फल है कि ये हमारे जो बारिश आती है या कोई और अर्थक्वेक्स आते हैं, ये सब उसी का ही फल है, तो उसको भी हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। बात दिक्कत क्या है कि हम किसी सब्जेक्ट से साइंस को दोहना चाहते हैं, उससे उससे हम एक्सपेक्टेशन तो हमारी ये है कि ज्योतिष ये भी बता दे वो भी बता दे, लेकिन ज्योतिष को आज तक दिया क्या है, हजारों साल 5000 साल पूर्व कभी हमारे ऋषि मुनि कभी कुछ रिसर्च कर गए थे, उसी रिसर्च को लेकर आज हम धो रहे हैं एक तरह से, उस साइंस को धो रहे हैं कि हाँ जी हम उन्होंने ये कहा था तो उसका ये फल है, उसका ये फल है, लेकिन अपना भी तो कुछ हमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। जिस प्रकार से मेडिकल साइंस में इतनी ज्यादा रिसर्चेज है, इतनी सब कुछ रिसर्चेज होने के बाद आज वो एक कोरोना का एक टीका निकाल पाए, वैक्सीन निकाल पाए, अगर इस प्रकार से इसमें भी यहाँ पे भी रिसर्च हो तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि हम फ्यूचर को बहुत अच्छे से ज्यादा साफ आंखों से देख सकते हैं। देखिए बंसल जी, आप बात काफी हद तक ये ठीक है, आपने जो ये सारे विषय पे एक शोध रखा उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे को जो लगी वो ये है कि आज तक विज्ञान से हम इसका कंपैरिजन तो करते हैं लेकिन हम इसको ज्योतिष को देख कितना पाए हैं, किसी भी व्यवस्था ने, किसी भी शासन ने, किसी भी प्रशासन ने, पहले ये भी होता था कि ज्योतिष को एक विशेष के शोध के रूप में करने के लिए अनुसंधान के रूप में व्यवस्थाएं की जाती थी, ये भी बात ठीक है, और जितना अभी तक हम इस विषय से अनुमान लगा पाए हैं और जो हम कालगणना के बारे में इसका चिंतन कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि ज्योतिष जिस विषय का मूल अंग है वेद का, इस कोरोना महामारी में या इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं मदद अगर किसी ने की है तो हमारे सनातन की पद्धतियों ने बहुत सारी मदद भी की है कि भी हमें एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग से रहना है और हाथ पैर मुंह धोकर के रहना है, और जो हमारी सर्वमान औषधि है जो हमारे किचन में भी मौजूद है हल्दी, उसके माध्यम से भी, और जो वास्तव में सही रूप में देखा जाए तो बृहस्पति के कारण ये घटनाएं उत्पन्न हुई और बृहस्पति ने ही इस घटना इसे सारे के सारे जो है वो रोग को निदान करने का जो रास्ता निकला वो भी बृहस्पति के माध्यम से ही निकल रहा है, कहीं ना कहीं हम उन्हीं चीजों का सहारा लेकर के ठीक भी हुए हैं। अब ये भी भविष्य में पता लगेगा कि विज्ञान ने कौन सा इसमें जो है वो पदार्थ डाला है जो बृहस्पति का है कि शुक्र का है कि राहु का है कि शनि का है, इस पर भी कोई ना कोई शोध जरूर होगा। तो मैं अगला प्रश्न जोली जी से ये करना चाहूंगा इस विषय को लेकर के, ये सारी चीजें जो चल रही हैं, इन सारी घटनाओं के बीच में हम अनुमान कर रहे हैं कि अब आने वाले समय में ये संभव है। मैं कई बार ये कहता रहा हूं बहुत दिनों से कि बहुत लोग ये कहते रहे कि जनवरी फरवरी जून से लेकर के और दिसंबर तक बहुत सारे अनुमान लगे, लेकिन अब भी जो बात है कि बृहस्पति अपना अप्रैल में अपना जो है वो राशि परिवर्तन पुनः जो है वो ठीक हो जाएंगे, तो ठीक जब हो जाएंगे उस समय इसमें कितना लाभ होगा इस पर जरूर हमको विचार करना चाहिए और एक स्पष्ट विचार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम हमारी कालगणना में कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। अच्छा, ये बात आपकी बड़ी अच्छी रही बंसल साहब कि आपने कहा कि भाई इस विषय पर जितना काम हुआ और किसी भी ज्योतिषी के जीवन में एक भी बार ऐसा हुआ होगा कि महामारी का की परिस्थितियां किसी को देखनी पड़ी, अब देखनी पड़ी और प्रश्न भी नहीं आया तो उसके उतनी शंका भी नहीं हुई, लेकिन जो लोग शोध करते हैं जो इस विषय पर काम कर रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूँ सरकारों को भी इसके लिए कुछ ना कुछ बड़ी व्यवस्था करनी चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है अब क्या आने वाले समय का हम कितना अनुमान कर सकते हैं, अनुमान का ही अनुमान, सब चीजें अनुमान पर आधारित हैं, एक बड़े से बड़ा सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया जाता है वो भी पूरे तैयारियों के बाद भी कई बार फेल हो जाता है, ये बात भी मैं समझता हूँ, लेकिन
प्रश्न फिर भी ज्योतिषी पर ही उड़ता है कि उसने अपनी भविष्यवाणी ठीक नहीं की। विज्ञान पर कोई प्रश्न नहीं करना चाहता, ज्योतिषियों पर सब प्रश्न करना चाहते हैं। तो मेरा भी यही प्रश्न है कि ज्योतिष पर प्रश्न कम ना हो, इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ शोधपूर्ण बात रखनी चाहिए। जोली साहब, अनुपम जोली जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, 100% सही है। और अगर शोधपूर्ण की अगर बात करें तो मेरे साथ के दोनों प्रवक्ता गुरमीत सिंह जी, बंसल साहब और आप स्वयं सबने कुल मिलाकर बात कही जो आसमान में ग्रहों के कॉम्बिनेशन की बात की। तो ज्योतिष का आधार आसमान के ग्रहों के कॉम्बिनेशन है, और उसका आधार क्योंकि हमने कहा कि पाराशर मुनि है, उनका जो ग्रंथ है आपकी आवाज। हाँ जी, कहना चाहूंगा ये जो जो वायरस आया ना, ये भी आसमान से आया, हवाई जहाज से लोग लेकर के आए थे हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ पैदा हुआ नहीं। चाइनीज जो वायरस, चाइना की जो राशि है उसको भी आप देखिए कि उसके आधार पर कितनी समस्याएं पैदा होने वाली है, उसमें कहाँ कहीं ना कहीं बृहस्पति का संबंध है कि नहीं है। आज अमेरिका की जो स्थिति देख रहे हैं, आज हम देश में एक नई परिस्थिति से गुजर रहे हैं, एक जो है वो आंदोलन चल रहा है, और हमारे किसान लोग जो है वो जिसे मतलब जो भी परिस्थितियां उसमें हैं वो क्या है ये स्पष्टीकरण भविष्य में होगा, लेकिन वो सड़कों पर लोग बैठे हुए हैं और एक बड़े शहर को जो है हैंग करने की स्थिति बनाई जाती है। इस पर भी क्या क्या हमारे ग्रह इस पर कुछ कहना चाहेंगे हम लोग ज्योतिष के माध्यम से? बिल्कुल बिल्कुल, देखिये मकर राशि एक फार्मर राशि है, और मकर राशि के अंदर बृहस्पति नीच का है और शनि उसमें बैठा है। देखा जाए तो लॉ जिसे कहते हैं, कानून जिसे कहते हैं, कानून के दो ही ग्रह हैं, एक शनि है और एक बृहस्पति है। बृहस्पति देवताओं के गुरु थे और वो बताते थे कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, मतलब देवता भी जहां अटकते थे क्या नीति क्या है, तो वो बृहस्पति महाराज से पूछते थे। तो ऐसे शनि को कर्म का दंड नायक बताया। तो अगर अगर लॉ की परिभाषा करें तो कर्मों का दंड देने वाला और लॉ बनाने वाला दोनों ग्रह एक साथ मकर राशि में बैठे हैं, और मकर राशि में बृहस्पति नीच है, लॉ की स्थिति इस समय नीच वाली स्थिति हो रही है, और उसमें कहीं ना कहीं जो जीव है शनि है, वो जो एक इंसान है या इस तरह की बात है, वो कहीं ना कहीं अपने हट धर्मिता जिसे कह सकते हैं, शनि एक हट धर्मिता है, उसका कहीं ना कहीं रूल हो रहा है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी यहाँ बता रहा है। मकर राशि को शुरू से ही आप समझ लीजिए एक ऐसी राशि है, चर राशि है, जिसे फार्मर राशि कह सकते हैं आप। और मेरे एक विद्वान थे वो इसको बोलते ही फार्मर राशि थे कि अगर कोई मकर राशि का व्यक्ति है वो किसान की तरह मेहनत करता है। तो एक फार्मर राशि के अंदर जब ये कॉम्बिनेशन है तो सचमुच दिक्कतें हैं। और ये दिक्कतें अगर बात करें मतलब भारत की कुंडली की बात करें तो बिल्कुल भारत की वृषभ लग्न की कुंडली आजाद भारत की जो 14 अगस्त की रात्रि 12 बजे मतलब 15 अगस्त की 00 की जो कुंडली है उसमें ये भाग्य की राशि है। तो अभी एक परिवर्तन काल चल रहा है और ये निश्चित बात समझ ले ज्योतिष के अंदर 9वां 10वां 11वां घर क्रमशः परिवर्तन का होता है। 10वां घर आपका मुख्य धारा होती है और 9वां घर उससे 12वां उसमें परिवर्तन की बात करता है। तो अभी भारत में भी कुछ परिवर्तन काल चल रहा है जिसमें शनि 10वें 11वें और 12वें में क्रमशः बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उन्नति की तरफ जाएगा। एक बात निश्चित समझ लीजिए, ये जो समस्या आई है ये टेम्परेरी है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। बृहस्पति अप्रैल में तो खैर कुंभ राशि में जाएगा। मैं इसे टेम्परेरी इसलिए बोल रहा हूँ कि स्वतंत्र भारत की कुंडली में चंद्रमा में शनि की दशा चल रही है और इसके बाद शनि में बुध की चंद्रमा में बुध की दशा आ जाएगी। शनि और बुध भारत की कुंडली अच्छे ग्रह हैं तो मेरे ख्याल से परेशानियां जो टेम्परेरी हैं ये भी निकलेंगी और धीरे धीरे विकास की तरफ ही जाएगा भारत। तो मैं ये कहता हूँ कि ये टेम्परेरी समस्या है, निश्चित रूप से है, कितनी चलेगी ये भी कहना अभी कठिन है क्योंकि बृहस्पति कंटिन्यूस अप्रैल तक नीच का ही है। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि बृहस्पति अतिचारी भी है तो कुछ मतलब जल्दबाजी में ही कुछ होना चाह रहा है, मतलब वो जो ये जो हट धर्मिता है उसमें कुछ जल्दबाजी से कुछ करवाना चाह रहे हैं, तो देखते हैं। हाँ जी, मेरा एक कि आप समझिए अभी तक जितनी देश में सरकारें बनी है और सबसे मजबूत सरकार इस समय देश में है, सबसे बड़े डिसीजन करने वाली, 70 साल के आजाद भारत के इतिहास में ऐसे निर्णय नहीं हुए जो इस सरकार ने किए। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की वचनबद्धता और अपने सिद्धांत और सरकार का जो हमारे समाज के प्रति, राष्ट्र का जो समाज, सरकार जो राजा का प्रजा के प्रति जो एक दायित्व होता है, उन्होंने अपनी वचनबद्धता को पूरा भी किया है। तो क्या ऐसा लगता है कि इतनी मजबूत सरकार होने के बाद ग्रह इतना प्रभावित कर रहे हैं कि हम एक जो है
चारों तरफ से एक अराजकता की स्थिति का माहौल बना दें, लोगों को जो है वो सैकड़ों किलोमीटर जो है वो चक्कर काट करके अपने अपने स्थानों पर पहुंचना पड़ रहा है, इस पर भी कुछ विचार जरूर करना चाहिए। 8 दौर की वार्ता हो गई है और उसके बाद भी कोई स्पष्ट निर्णय अभी तक नहीं है। वो आपने जो अभी कहा हठधर्मिता का योग बना हुआ है, तो हठधर्मिता दोनों पक्षों से है कि एक ही पक्ष हठधर्मिता कर रहा है? गुरमीत सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, उससे पहले सिर्फ मैं 2 लाइन बोलूंगा, मात्र 2 लाइन बोलूंगा। आपने कहा कि इतने वादों पे खड़ी होती सरकार है, बहुत मजबूत सरकार है, फिर भी ग्रह सब कुछ बदल देते हैं। बिल्कुल बदल देते हैं, ग्रंथों में लिखा है ग्रहम राज्यम हरंती च ग्रहम राज्यम प्रच्छन्ति च ग्रहस्तु व्यापितम सर्वदेश जगत चराचरम। यही ग्रह इंसान को राजा बनाते हैं, ये राजपाट छीन लेते हैं और ये पूरा चराचर जगत ग्रहों से व्याप्त है। तो ग्रहों से और ज्योतिष से तो कहीं अंतर है ही नहीं। अच्छे से अच्छी सत्ता भी, चाहे वो नेक नियत से भी हो, पर जब ग्रह गड़बड़ आते हैं तो सब कुछ बिगड़ जाता है। गुरमीत सिंह जी प्लीज। इसी विषय को आगे बढ़ाता हूँ जो उन्होंने शुभमन जी ने रखा था, चाइना का और फार्मर्स का। तो आप भी देखो जिस तरह से जो पिछला आंदोलन हुआ था वो भी 8वें 6वें घर की इन्वॉल्वमेंट थी। अभी जब यह आंदोलन शुरू हुआ हम उस समय सप्तमेश 6वें घर में थे, अभी लग्नेश 6वें घर में थे। किससे एक्सपेक्टेड थे? मंगल और शनि से। अब बात नोट करो, और जब अगली चाल शुक्र ने चली सप्तम में आए, फिर भी राहु केतु एक्सिस में फंसे रहे, तब भी कोई समाधान की कोई आशंका नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। अभी भी मरण स्थान यानी 8वें घर में है, तो ये उपद्रव तो चलेगा अभी जैसे ही। लेकिन मेरा खुद का मानना है ये 22 जनवरी को 9th हाउस में आ जाएंगे, उससे पहले 14 जनवरी को सूर्य जो कि राजा को गवर्न करते हैं वो भी अष्टम भाव में फंसे हुए, वो भी 9th हाउस में आ जाएंगे। पूरी पॉसिबिलिटी दिखती है मुझे कि काफी हद तक समाधान होने की। दूसरी बात आपने चाइना की, चाइना का मकर लग्न है। लास्ट चाइना की जो ट्रांजिट, जहां से बीमारी आई है, लास्ट चाइना की ट्रांजिट 12th हाउस में थी, सैटर्न और जुपिटर की गोचर की, ठीक है ना। वहां उनका शायद जुपिटर वहां उनका विद्यमान है, 12वें घर में ही है। तो चाइना ने बहुत ह्यूमिलिएशन फेस की उस पूरी ड्यूरेशन में, क्योंकि कोरोना उसी की वजह से फैला था। एक बीच में है कि अभी कल की एक न्यूज में देख रहा था, उसमें था कि चाइना में फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। ये जो डेवलपमेंट है इस तरीके की, जो ये इसे क्या मानेंगे हम लोग? अभी हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, वैक्सीन भी विज्ञान दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर ये नई डेवलपमेंट है। अभी मैं इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि चाइना का 6:30 चल रही है, देखो तो लगन में बैठा, मकर लगन में ही चंद्रमा बैठा हुआ है। अभी शनि का जो गोचर है ना, बिल्कुल चंद्रमा के ऊपर से जाने वाला है। और चंद्रमा कौन है? चाइना का सप्तमेश है, यानी सामने की दुनिया का मालिक है। तो ये जितना भी वाद विवाद चाइना का सामने वाली दुनिया से चल रहा है, इसी 6:30 की वजह से चल रहा है। ये देख लेना, जैसे जैसे गोचर आगे जाता जाएगा, कुछ ना कुछ चाइना भी ढीला पड़ता चला जाएगा। और चाइना ने जो दुनिया को बीमारी दिया है ना, उसमें भी काफी हद तक सुधार आएगा। एक बात को आगे बढ़ाऊंगा, बंसल साहब से मेरा सवाल है कि इसमें हमारे चारों तरफ जितने देश हैं उनमें 2 ही देश सबसे ज्यादा उथल पुथल मचाने की स्थिति में रहते हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हमारे देश के खिलाफ भी करते रहते हैं। आज जो गोचर की परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार के ग्रह स्थिति हैं, उन ग्रह स्थितियों के बावजूद भी चाइना ने तो जो अपनी सारे संसार के सामने जो एक बीमारी फेंक दी, ये सारा संसार मान रहा है, मैं खाली मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात है। और उस परिस्थिति में भी आप देखिए कि पाकिस्तान जैसे बिल्कुल कमजोर मुल्क में, जहां संसाधन नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, बहुत केसेस कोरोना के नहीं बढ़े। अब मैं नहीं जानता कि उसमें क्या सच्चाई है, कि कितने उसकी न्यूज नहीं आई या वहां ये सब चीजें कम हुई, इसका भी कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि वो इतने, हम इतने प्रभावित, हम 1 करोड़ की जनसंख्या के लोग यहाँ पर प्रभावित हुए और वहां ये आंकड़ा जो है काफी दूर रहा, इसका क्या कारण आपको ग्रहों की स्थिति में लगता है? देखिए ये जो है ना, ग्रहों की स्थिति में देखा जाए तो ये जो है शनि जो है रिप्रेजेंट करता है लो कास्ट को या वर्कर क्लास को, और जो शनि जो है वो गुरु और शनि के युति के कारण ये हो रहा है, और शनि को कोई इसमें कष्ट नहीं होता। तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं, जहाँ पर लोअर क्लास के लोग हैं, जहाँ पे ज्यादा जो खुद अपने हाथ से काम करके रोटी खा रहे हैं, तो वहां पर ये जो रोग है ये ज्यादा नहीं पन पाए।
ये वहीं पर पनपा है जहां पर की एलीट क्लास है। आप इसको गुरु पर शनि का दुष्प्रभाव है, लेकिन गुरु का शनि के ऊपर दुष्प्रभाव नहीं है। इस बात को समझे, शनि का दुष्प्रभाव गुरु पर हो सकता है, लेकिन गुरु का दुष्प्रभाव शनि पर नहीं हो सकता। तो इस बात को समझना होगा, और यही कारण है कि ये जो दुष्प्रभाव है ये एलीट क्लास पर ज्यादा आया है। जहां जहां पर भी एलीट क्लास है, जहां पर भी मुख्य धारा के लोग हैं, वहां पर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा आया है, और जो ज्यादा वर्किंग क्लास है वहां पर इसका प्रभाव उतना नहीं हुआ। डेफिनेटली उसका हुआ प्रभाव, लेकिन ऐसा उतना नहीं हुआ जितना कि और जगह हुआ। तो इसका तो ये सवाल। दूसरा में आप कह रहे थे हट कौन दिखा रहा है, हट जो सरकार दिखा रही है या हट ये किसान दिखा रहे हैं। इसकी तो सीधी एग्जांपल है, बहुत छोटी सी एग्जांपल है, माँ बेटे की एग्जांपल ले लीजिए। बेटा कहेगा नहीं मेरे को तो इस आग से खेलना है, मेरे को तो ये आग में हाथ डालना है। तो वो जो है माँ जो है वो कहेगी नहीं बेटा तुम हाथ में तो डालने नहीं दूंगी। वो भी हटी है, वो उसे हाथ नहीं डालने देती आग में, और वो हाथ में डालने से मानता नहीं है। तो यहाँ पर सरकार और किसानों के बीच में बिल्कुल वही केस चल रहा है। किसान जो सरकार है वो माँ का धर्म रोल कर रही है, प्ले कर रही है। क्यों वो क्यों नहीं हटा रहे इसको? नहीं तो वो कहें अच्छा लो जी हमने तो हटा दिया, रिपील कर दिए, लो जो तुम खुश रहो हम भी खुश हैं। हम उन्हें हटाने में कितनी देर लगती है, लेकिन वो किस लिए नहीं हटा रहे? क्योंकि उन्होंने देखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे इनका नुकसान हो रहा है। पास्ट में भी हो रहा है, जहां पर कि वो बेच नहीं सकते, कहीं पर भी अनाज नहीं बेच सकते, पूरा भारत को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और इस तरह से क्या है वो एक रूपता आती है जिससे कि किसान को बाकी आगे चल के बहुत लाभ होने वाला है। तो वो उस लाभ को देखते हुए सरकार जो है वो ऐसा नहीं सोच सकती कि जी हम इसको रिपील कर दें। केवल एक ही कारण है, नहीं तो उनको तो रिपील करने में अपने अगर उन्हें लाभ लेना होता तो रिपील कर देते और उनको तो लाभ मिल जाता। तो केवल यही बात है। और तीसरी बात एक और है इसमें कि अभी जो है सारे की सारे ग्रह इकट्ठे होने वाले हैं, सारे की सारे 60 डिग्री के अंदर आ रहे हैं। तो ये जो है ये जैसे मैंने बताया था कि अर्थक्वेक का कारण बनते हैं, जो लास्ट वीक ऑफ द मंथ है जनवरी का, उसमें अर्थक्वेक्स प्रोन टाइम होगा, ये काफी अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। तो ये जो अर्थक्वेक्स जब पृथ्वी पे आ सकते हैं तो डेफिनेटली मनुष्य के दिमाग में भी अर्थक्वेक आते हैं, और उसी कारण ये है कि वो आदमी जो है अंदर से अनस्टेबल है, जो कि फूटेगा कब जाके वो बात अलग है, लेकिन अंदर तो इस समय जो है उसके आग लगी हुई है। तो वो सोचने की शक्ति जो है, जो सही सोचने की शक्ति है, वो खत्म हो जाती है। और ये जब कब होगा, फिर ये शांति कब आएगी? जब ये दूर हो जाएंगे ग्रह। ग्रह दूर होने में थोड़ा सा 2 महीने का टाइम लगेगा, तो ये मार्च तक ये करीब करीब दूर होंगे। जब तक मेरे ख्याल से लगता है किसानों को ये भी समझ में आ जाएगा कि जो हम कर रहे थे वो वाकई में गलत कर रहे थे, क्योंकि जब उनकी नई नई फसल आ जाएगी, जब वो उन्हें बेचने जाएंगे, उन्हें समझ में आ जाएगी सारी बात, जो ये लॉ था ये क्या कर रहा था। तो मेरे ख्याल से जो है, जैसे जब तक ही गुरु भी जो है मकर से कुंभ में जाएंगे, तो वो जो समय है कुंभ में गुरु का आने का, जब तक वो किसान को एक पूरी साइकिल ये हो जाएगी इस लॉ की, वो समझ में आ जाएगा और फिर वो शांत हो जाएगा, ये मेरा मानना है। और अभी ये हाल फिलहाल में मानने वाला नहीं है किसान, क्योंकि इस समय तो उसके अर्थक्वेक चल रहा है उसके दिमाग में, और वो तो फूट रही है। तो अभी सड़कों पे फूटेगा, चाहे कहां किसके ऊपर फूटेगा, वो बात अलग है। मंडल साहब, ये जो आपकी बात है कि अभी जो है वो अर्थक्वेक आदमी के मस्तिष्क में भी पैदा होते हैं, ये बड़ी जो है विशेष बात है कि जैसे हमारे वायुमंडल में जिस प्रकार की हमारे जो सौर मंडल की घटनाएं हैं, हमारी पृथ्वी की जो घटनाएं हैं, उनके साथ साथ जो आकाशीय घटनाएं हैं वो मनुष्य के अंदर भी बहुत सारी घटनाएं जन्म लेती हैं, और वो घटनाएं जो जन्म ले रही हैं वो एक इस तरीके का अर्थक्वेक जैसा माहौल भी बनाती हैं। जैसे भूकंप के बाद अफरा तफरी होती है ना, इसी प्रकार की अफरा तफरी का माहौल भी ये सब बना हुआ है। भूकंप मस्तिष्क में तो चल ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्या सरकार के मस्तिष्क में अर्थक्वेक नहीं चल रहा है? सरकार इस अर्थक्वेक को किस प्रकार से प्रकट करेगी? जैसे माँ अपने बच्चे को बहुत दिन तक प्यार से समझाती है, जब नहीं समझ में आता है तो फिर वो कभी कभी उसको शक्ति के साथ और दंड के साथ भी समझाती है, क्या ऐसी स्थिति तो नहीं आएगी? शक्ति के साथ तो पहले तो दूसरी तरफ से शक्ति दिखाई प्रदर्शन होता है ना, बच्चा जब प्रदर्शन करने लगता है शक्ति, तब फिर वो माँ माँ प्रदर्शन करती है ना, अन्यथा तो नहीं करती।
तो इसी प्रकार से जैसे ही किसान शक्ति प्रदर्शन करेंगे, और ये करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो टाइम आने वाला है, ये मंथ एंड जो है इसी प्रकार का होने वाला है, तो फिर शक्ति तो, प्रदर्शन भी होगा और शक्ति का उसका उससे दबा, तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो ये शक्ति प्रदर्शन करेंगे इनका समाधान भी शक्ति से ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। कुछ ना कुछ इस प्रकार के निर्णय शायद ग्रह की गणनाएं कराएंगी जो चीजों को बदलेगा और परिवर्तन आएगा, तो ये परिवर्तन संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रहों की गणना के आधार पर हम ये सोच सकते हैं और अनुमान सबके अपने अपने संभव हैं। मेरा ये मानना है कि इन सारे विषयों के साथ में जब हम आज चर्चा कर रहे हैं, कुलदीप जी ने जैसे चाइना के बारे में कहा, लेकिन आप 2-3 दिन पुरानी घटनाओं के बारे में चिंतन करिए। अमेरिका जैसे राष्ट्र में भी एक ऐसी अराजकता की स्थिति पैदा हुई जहां हम डेमोक्रेट और जो है हम ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी है जिसके बिना संसार, एक बहुत बड़ा उदाहरण पूरे विश्व में वो है। तो क्या इतने शक्ति संपन्न और इतने साफ दिमाग के लोग, जिसे हम हमारे देसी भाषा में कहते हैं भाई बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो गलती नहीं करते हैं, तो बहुत पढ़े लिखे लोगों को मैंने दीवारों पर चढ़ते हुए भी देखा। टीवी मीडिया के माध्यम से जो न्यूजें आई उनमें लोग दीवारों पर चढ़ रहे थे और फायर हुआ और वहां पर मौतें भी हुई। तो ये देखिए कि अमेरिका जैसे शक्ति संपन्न बुद्धिमान विश्व के अग्रणी देश में भी इस प्रकार की स्थिति आ रही है अराजकता की। क्या आपको ऐसा लगता है कि अपने यहाँ ग्रह कुछ ऐसा कर सकते हैं, अपने देश में कुछ ऐसा संभव है? नहीं नहीं, क्यों नहीं पॉसिबल है, देखिए ये सब सब कुछ पॉसिबल है और ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। और ये समय अभी देखिए गुरु और शनि जो है बहुत सालों बाद 20 साल बाद इकट्ठे हुए एकत्रित होते हैं, और ये 20 साल बाद कहीं ना कहीं इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आने लगती है। और ये 20 ये शनि और गुरु जो है केवल दो ही बड़े ग्रह हैं, राहु केतु तो छाया ग्रह हैं और बाकी सब जो फास्ट तीव्रगामी ग्रह हैं। तो स्लो ग्रह प्लैनेट्स में, बड़े प्लैनेट्स में तो दो ही प्लैनेट्स हैं जो शनि और गुरु, और ये दोनों का एकत्रित चलना ये सब सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल डिसबैलेंस क्रिएट करता है। तो इसी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है और अब ये शुरू हुआ है धीरे धीरे आना, दूर होना। लेकिन अब मकर में सूर्य भी आ जाएंगे, मकर में उसके साथ में बुध और शुक्र भी वहीं रहते हैं, वहीं पास में रहेंगे। तो इस प्रकार से सारा जो डिसबैलेंस होने वाला है जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस का, तो वही कारण है जो कि ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो अभी तो ये एक प्रकार से पीक पोजिशन आने वाली है जो कि लगभग 25-26 जनवरी के करीब 27 जनवरी के करीब आ रही है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सारी दुनिया के जो विज्ञान को के ऊपर आधारित लोग हैं, ये बात तो निश्चित है कि उस विज्ञान, खाली विज्ञान विज्ञान को मानने वाले जितने लोग हैं उन वैज्ञानिकों पर भी ग्रहों का विशिष्ट प्रभाव होता है। अमेरिका जैसे देश में भी ग्रह जाके अराजकता पैदा कर देते हैं, तो ये तो निश्चित रूप से पूर्ण पूर्ण प्रमाणिकता की बात आपने की है और ये बात समझ में भी आती है। वो जीव है या अजीव है, दोनों के ऊपर समान प्रभाव है। बहुत बढ़िया, ये बात आपकी मुझे कहीं ना कहीं तार्किक लगती है कि इसने सारे विश्व में इन ग्रहों के, इस ग्रेविटी फोर्सेस के जो इनकी जो शक्तियां हैं उन्होंने सबको प्रभावित किया है। ये बड़ी अच्छी एक बात आपने इसमें पूरे शोध में मेरे को समझ में आई कि इन ग्रहों का जो प्रभाव है वो समानांतर रूप से सबको झेलना पड़ता है, समानांतर रूप से सबको अनुभव करना पड़ता है। जो उसके अच्छे संबंध के संबंधित हैं उनको अच्छा प्रभाव मिलता है, जो कमजोर संबंध के उनको कमजोर मिलता है, जो विशेष संबंध के उनसे ग्रहों का संबंध है उनको विशेष मिलता है। मैं गुरदीप जी एक सवाल करना चाहूंगा आपसे। गुरदीप जी, जी बोलिए। मेरा एक सवाल है आपसे कि ये जो अमेरिका में जो स्थिति बनी, अभी 20 तारीख को वहां की जो है वो न्यायपालिका और कार्यपालिका के और जो है वो बीच में जितना विवाद अभी दिखाई देता है कि लोग कोर्ट भी जा रहे हैं और वहां जाकर के उन बातों को बीच बीच में मांग भी कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, तो क्या अमेरिका जैसे देश में भी न्याय की मांग करनी पड़ती है? ये क्या ऐसी परिस्थितियां ग्रहों ने पैदा करी, इतनी बड़ी जो है वो विश्व का जो है सर्वशक्तिमान जिसे कहते हैं कि अग्रणी जो देश है उसमें भी न्यायपालिका इतनी जो है प्रभावित हो जाती है, या उनके हाथ में भी कुछ नहीं रहता कभी कभी? बिल्कुल, शनि जुपिटर का जो गोचर है ना
ये बहुत कुछ दिखा रहा है। और फिर दूसरी बात मैं आपसे करता हूँ कि ट्रम्प का जो लगन है वो लियो लगन है, और 10th हाउस में राहु बैठे हुए उनके, और गोचरस्थ राहु भी वहीं इस समय 10th हाउस में ही गोचर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उस 10th हाउस में राहु की मौजूदगी का बहुत बड़ा प्रभाव है जो अमेरिका में हो रहा है। तो वो नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा ये सोच पूछना चाहूंगा कि क्या इसमें 20 तारीख को, जो 20 जनवरी को वहां जो शपथ ग्रहण होगा एक नए राष्ट्रपति के रूप में, पूरा जो है देश उनको देखेगा, कितनी स्वीकारोक्ति होगी उस शासनाध्यक्ष के प्रति देश के लोगों की? क्या ये जो अभी इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर होगा बहुत ही स्मूथली होने वाला है, वहां पे कुछ नहीं होने वाला, ये सब पहले ही के लक्षण है। जो सब कुछ हो रहा है वो अभी हो रहा है, और जैसे ही ये समय आएगा वो उसके बाद ये सब एकदम खत्म हो जाने वाले प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो जो इनकी जो जो है जो नए राष्ट्रपति चुने चुने जा रहे हैं, उनकी जो पत्री है वो बहुत अच्छी पत्री है, बहुत सही पत्री है, और उसमें इस प्रकार का कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो वो बिल्कुल आराम से चुने जाएंगे और आराम से अपने 4 साल पूरा करेंगे। और ये जो ट्रम्प थे, इनका तो एक्चुअली क्या, हमने पहले भी 4 साल पहले ही लिख दिया था कि जी ये ट्रम्प दोबारा तो बनेंगे नहीं, लेकिन ये अपना बार 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 कोशिश कर रहे हैं कि मैं रह जाऊं, किसी कारण से रह जाऊं, तरह किसी तरीके से। तो क्योंकि उनका सिंह लगन है तो थोड़ा सा तो जिद्दी किस्म के है ही है कि मैं अपनी पावर तो दिखाई लूं, तो लेकिन ऐसा है। लेकिन सिंह की एक एक स्वभाव होता है सिंह का कि जब वो अलग हो जाता है तो फिर वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। तो ऐसा ही होने वाला है, जैसे ही ये यहाँ से अलग होंगे तो इसकी इस सत्ता की तरफ दोबारा मुड़ के भी नहीं देखेंगे। अच्छा चलो देखते हैं, ये भी आपका एक आकलन है और मैं स्वागत करता हूं आपके विचारों का। कुलदीप जी, आपकी क्या राय है इसके बारे में, क्या होने वाला है? देखो मेरा भी यही मानना है कि ट्रम्प है ना, थोड़ी जो उन्होंने अपनी जिद दिखानी थी वो दिखा ली है, धीरे धीरे शिथिल होते जाएंगे, मतलब सत्ता का जो भी अब ट्रांसफर होनी है वो हो जाएगी स्मूथली, जोली जी, आपकी क्योंकि क्या बहुत राय है इसके बहुत बारे में? शर्मन जी बहुत एडवांस कंट्री है, वहां पे लोग इस चीजों को बहुत ज्यादा झेल नहीं सकते, जो कर दिया जो हो गया वो भी एक इतिहास है। चलो, ये इतिहास तो ग्रहों ने सिखाया, और इतिहास ग्रहों ने इतिहास बनाया भी, तो ग्रहों का जो इतिहास है वो 100 साल में एक इतिहास बना कि सारे विश्व में जो है वो एक अराजकता की स्थिति 1 वर्ष तक पूरा विश्व देखता रहा। मैं आप सब लोगों से एक प्रश्न करना चाहूंगा, एक अंतिम मैं राउंड में इसमें हम एक बात और कहना चाहता हूँ, इसमें ना सवाल कुछ ना कुछ कहने का में भी एक कपड़ा है। सेकंड में, क्या आने वाला समय 2021 भारत के लिए कैसा होगा, मेरे देश के लिए कैसा होगा? क्या देश की जनता इन बीमारियों से, आर्थिक परिस्थिति से और इन आंदोलनों से मुक्ति पा पाएगी? एक ही सवाल है मेरा तीनों से, और इसके लिए एक एक मिनट का समय अपने पास तीनों के पास है कि आप अपनी, डॉक्टर अरुण बंसल अपनी राय रखेंगे। मेरा तो मानना यह है कि हमारे लिए गोल्डन पीरियड आ रहा है, भारत के लिए गोल्डन पीरियड आ रहा है। 2021 जो है परिवर्तन का समय होगा, और उसके बाद जो है भारत मुड़कर नहीं देखेगा पीछे की तरफ, और वो इसमें काफी बड़ा एक नई पावर बन के उभरेगा। और ये जो ये तो है, कोरोना तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन इसके बाद जो जो इंडस्ट्रियल अप होगा वो भी एक बहुत जोरदार होगा, जीडीपी एकदम तेजी से बढ़ेगी इसमें। और ये जो सारा है भारत की कुंडली को मिला के भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि भारत की कुंडली में भी इसी प्रकार के छठे घर में, चंद्रमा से छठे घर में शनि और गुरु चल रहे हैं इस समय, और वो अभी 7वें घर में आ जाएंगे गुरु। तो उसके बाद जब गुरु कुंभ में आ जाएंगे और शनि यहीं पे रहेंगे मकर में, तो वो एक जोरदार तरक्की देंगे भारत को, और भारत बहुत विश्व में निकल के आएगा, अपनी प्रतिष्ठा अनुपम बनाएगा। जोली जी, यही सवाल आपसे भी है मेरा, जोली साहब, अनुपम जी। हमें इसका जवाब देने से पहले एक छोटी सी बात और डालना चाह रहा था, जो अभी परिस्थितियां बन रही हैं भारत की, तो मैं इसको गवर्नमेंट से ना जोड़ के सिर्फ बीजेपी से जोड़ता हूँ। मेरा अपना निजी अनुभव है कि जो परीक्षा की घड़ी आती है तब आती है जब बृहस्पति नीच का होता है। 13 साल पहले जब बृहस्पति नीच का था, मुझे अच्छे से याद है, उमा भारती इनसे अलग हो गई थी, बीजेपी बड़े छिन्न भिन्न हो गई थी। तो हर बार उनका टेस्टिंग पॉइंट होता है नीच का बृहस्पति,
क्योंकि बीजेपी का जो लग्न है वो मिथुन लग्न है और में उनका जो करियर का जो लॉर्ड है वो भी बृहस्पति ही है, तो बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बीजेपी के अंदर। अब आते हैं भारत के अंदर, तो भारत के लिए जैसे बंसल साहब ने कहा कि चंद्र कुंडली से उन्होंने बताया, मैं स्लो मूविंग प्लेनेट को लग्न से देखता हूँ और मेरा मानना यह है कि जब 9वें 10वें 11वें घर से शनि जाएगा तो शहने शहने कितनी समस्याएं हैं, कितने प्रदर्शन हो, कितनी समस्याएं हैं, पर भारत की तरक्की अवश्यम भावी है, स्लो प्रोसेस में धीरे धीरे आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं देखेगा। तो मैं इस मामले में बसंत के बहुत ज्यादा करीब हूं उनकी बात का, पर हाँ मैं उसे लग्न से देख रहा हूँ, चंद्र से नहीं देख रहा, क्योंकि शनि अभी मकर में है, फिर कुंभ में जाएगा तो कुंभ में बहुत स्टेबिलिटी देगा, 10वां घर स्टेबिलिटी का होता है और कुंभ उसकी मूल त्रिकोण राशि है, शनि जब वहां 2.5 साल रहेगा तो भारत को एक अच्छी पोजिशन पे, 10वां घर मान प्रतिष्ठा का भी होता है, स्टेबिलिटी का भी होता है, 200% भारत की जो आने वाले जो समय है, आने वाले 2.5-3 साल है, वो एक अपने आप में मजबूती वाले होंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। गुरदीप जी आपकी बात जानना चाहूंगा, इसमें क्या राय है आपकी? शनि जी जुपिटर का गोचर सुमन जी हमारे 9th हाउस में चल रहा है और 9th हाउस में अष्टक वर्ग में 20 बिंदु है, तो थोड़ा स्लो मूवमेंट तो रहेगी अष्टम भाव में, जहां से अग्नि तत्व की राशि से बाहर आए हैं दोनों ग्रह, तो वो अपना रंग दिखा चुके हैं, अब वो इतिहास हो चुका है, अब धीरे धीरे यहां से बैटरी होगा, पर्टिकुलरली जब 6 अप्रैल को जुपिटर 10th हाउस में जाएंगे इंडिया के चार्ट में, बहुत बेटर समय होगा, और जब 11वें में जब शनि यहां से 2023 में जाएंगे 10th हाउस में, एक अलग ही दौर होगा मेरे हिसाब से, शेयर बाजार भी बहुत तरक्की करेगा उस पीरियड। तो हमारे तीनों विशेष ज्योतिष बंधुओं ने ये राय रखी कि आने वाला समय है भारत के लिए बहुत अच्छा है, 2021 भी अच्छा होगा और 21 के बाद भी जो समय है वो भी अच्छा होगा। मैं एक प्रश्न और करना चाहूंगा सब लोगों से कि आप सब ले एक नए शोध के साथ में और नए विचार के साथ में बहुत गंभीर चिंतन आपने किया कि ग्रहों की कालगणना के जहां कमियां रह गई थी वो कमियों के बारे में भी कुछ ना कुछ आप लोगों ने स्पष्ट किया कि भाई ऐसा प्रश्न और ऐसी परिस्थितियां किसी के भी जीवन में नहीं आई, पिछले 100 साल पहले ऐसी घटनाएं हुई, 100 साल पहले फ्लू आया और 100 साल के बाद ये अब ऐसे आया, और ऐसा प्रश्न भी किसी ने किया, कारण कुछ भी हो सकते हैं, सफलताएं असफलताएं भविष्यवाणियां सटीक हों, कई बार वो सफल नहीं हो पाती है, अपनी स्पष्टीकरण स्पष्ट नहीं हो पाती है भविष्यवाणियां, तो इस पर भी हमें एक शोध की आवश्यकता है और एक नई चिंतन के साथ में हमें इसके साथ काम करना चाहिए, ये मेरा सोचना है। आपने जो राय रखी वो निश्चित रूप से बेबाक राय है, पूरे विश्व में ये जो परिस्थितियां चल रही हैं इनमें परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा, ऐसा मैं भी समझता हूं, क्योंकि बृहस्पति आप लोग ने जो राय रखी कि केतु और राहु के कारण भी ऐसा हुआ कि वायरस जो है बढ़ा और घटा, मैं ऐसा समझता हूँ बृहस्पति संसार में सबसे सूक्ष्म जीवों का मालिक है, जो सबसे जो बारीक जो जीव हैं, जो सबसे जो सूक्ष्म दृष्टि से देखने पड़ते हैं उनका मालिक भी बृहस्पति है, और ये सारी दुनिया में जिसने वायरस ने कोहराम मचाया, 4-5 ग्राम वायरस ने सारी दुनिया को तबाह कर दिया, इतना भी शायद नहीं रहा होगा, कुछ कम ही रहा होगा, मैंने वजन ज्यादा बोल दिया होगा, विज्ञान की दृष्टि में शायद उस वायरस का वजन कुछ कम ही रहा होगा। अब आप ये सोचिए कि इतनी सी चीज ने जो बृहस्पति अति सूक्ष्म है, हमारे यहाँ शास्त्रों में ऑक्सीजन किसी को दिखाई नहीं देती है लेकिन वो हमारे जीवन में प्राणवायु होती है, तो जैसे ही बृहस्पति अपने अच्छी परिस्थितियों में आएंगे, जब वो अतिचारी होकर के गतिशील होंगे, एक जो है मार्गी होंगे, एक सही रास्ते पर चलना, एक सही ऐसे मार्ग पर चलना शुरू होंगे जहां वो निर्विवाद रूप से आगे बढ़ेंगे, तो पूरे विश्व को एक शांति भी देंगे, ऐसा मानना हम सब लोगों का है। और आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया इसमें खूब चर्चा की, एक प्रश्न मेरा सब लोगों के लिए फिर से है कि इन सारी विषम परिस्थितियों में, इन सारी विषम परिस्थितियों में सरकार ने भी बहुत सारे अच्छे निर्णय किए हैं और मैं ऐसा समझता हूं कि भविष्य में भी वो निर्णय करेगी। क्या जो हमारे देश में एक माहौल बन गया है जहां हम बहुत विवादित स्थिति में चले जाते हैं कभी कभी, आतंकवाद, इस कोरोना ने एक काम तो बहुत अच्छा किया कि आतंकवाद पर भी कहीं ना कहीं रोक लग गई कि लोग जो है वो इधर उधर आना कम हो गए, तो मैं ऐसा मानता हूं जब हम अतिचारी होते हैं, जब इधर से उधर ज्यादा आना जाना करते हैं, जब अपने क्षेत्र में रह करके हम काम करें तो हम ज्यादा सफल होते हैं। इस कोरोना काल ने ये तो कम से कम सारी दुनिया को सिखा ही दिया
कि घर में रह करके कम खा करके भगवान का नाम लेकर के ईश्वर की आराधना करके भी जीवन जिया जा सकता है। कोई समाधान आप लोग देना चाहेंगे इन परिस्थिति में, कि कोई ऐसा एक एक रेमेडी तीनों लोगों से चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में एक जनता क्या करे। जनता का सवाल वही है कि जनता किस तरफ जाए, जनता के लिए क्या लाभकारी होगा। गुरुदीप जी कोई रेमेडी आप देना चाहेंगे इस विषय को? मैं कुछ राय अभी नहीं देता, अब अनुपम जी से लीजिए, आप पुराने हैं, सब एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं बिल्कुल नया नया हूँ। जी जी, अनुपम जी से सवाल करूंगा कि इस परिस्थिति में क्या रेमेडी देना चाहेंगे। देखिए, एक रेमेडी जो है वो हर परिस्थिति की है, प्रभु शरणमि केवलम, मतलब अगर ईश्वर की शरणागत रहेंगे तो हमारा जीवन सफल रहेगा। दूसरी रेमेडी मैं आपको दे रहा हूँ जो हमारे भगवान कृष्ण को पसंद है, वह तुलसी पत्र। तुलसी पत्र आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो एक तो मतलब हम वहां भी भगवान की शरणी है। तो कहने का मतलब ये कि जिस ग्रहण काल जब होता है तो हम अपने भोजन में हर चीज में तुलसी पत्र रख देते हैं कि उसकी जो विकिरण रुक गई है, जिसकी वजह से कुछ जीवाणु आ सकते हैं, वो तुलसी पत्र बचा लेगा। तो मेरा मानना यह है कि अभी जो मेरे भी सर्किल में जिनको कोरोना हुआ, तो निश्चित रूप से उसमें ज्योतिष तो 100% था। मेरे एक मित्र की मृत्यु भी हुई, उनका द्वितीय और सप्तमेश की दशा चल रही थी, तो कोरोना भी उसी को ही हुआ जिसका मतलब लग्नेश कमजोर था, जिनका मार्केट चल रहा था, उन्हीं पे ये कष्ट आया। तो कष्ट के अनुसार ही जीवन में सब कुछ मिलता है। हमारे पास एक ही उपाय है, अपना कर्म और ईश्वर की शरण। इन दो के अलावा तीसरी कोई चीज है ही नहीं। हर परिस्थिति के लिए मैं कहूंगा कि कर्म इंपॉर्टेंट है। कर्म का मतलब है कि हमने अपना मास्क लगाया, सैनिटाइजर लिया, संभल के रहे, ये हमारा कर्म का हिस्सा है, और प्रभु की भक्ति की दूसरा हमारा शरणागति है। इस दो से बढ़कर कोई रेमेडी होती ही नहीं है, मेरा मानना है। मैं बंसल साहब से जानना चाहूंगा, डॉक्टर बंसल साहब से, अरुण बंसल जी से बात करना चाहूंगा। राम से बड़ा राम का नाम लीजिए और राम राम में हो जाइए, आपको कोई कष्ट नहीं आएंगे। बिल्कुल सहमत हो जी, मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत, मैं भी पूर्ण सहमत। तो आप सब लोगों ने जो ये सबसे बड़ी विशेषता की बात है कि हमने जितनी देर चर्चा की, इस चर्चा के बीच में एक विशेष बात निकल करके ये आई कि किसी भी परिस्थिति में अगर आप परेशान है या कोई दिक्कत है, किसी भी तरीके की, मानसिक है, शारीरिक है, व्यापारिक है, आर्थिक है, ईश्वर से बड़ी शक्ति संसार में कोई नहीं है। वही सबको संचालित करती है और ग्रहों को भी वही संचालित करती है और हम सबको भी वही संचालित करती है। कोई भी राष्ट्र का अध्यक्ष ये सोचता है कि वो राज्य चला रहा है, मुझे लगता है शायद उसको भी कोई ना कोई चला रहा है। ये हमारा दृष्टिकोण है। आप सब लोगों ने अपना जो अत्यंत मूल्यवान समय इस चर्चा में दिया। अगली चर्चा फिर एक नए विषय के साथ में हम सब लोग करेंगे और फिर कुछ नए रास्ते, नई चीजें, नई शोध, एक नए विषय के साथ में आप सब लोगों से भेंट होगी। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। मैं अनुपम जी से कहूंगा कि वो इस बारे में जो ज्ञानम के माध्यम से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। श्री अनुपम जोली जी, बिल्कुल मैं थोड़ा सा परिचय अंत में दे रहा हूँ। ज्ञानम हर साल एक धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष और हमारी जो भी भारतीय विद्या है, इन सब पर आधारित एक फोरम है और उसमें विश्व के जितने भी मतलब गुणीजन है इसमें जुड़ते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर आकर एक सार्थक मंथन होता है। इसलिए ज्ञानम का मतलब है वो ज्ञान जिसका मंथन होता है। तो आज हमारे मंथन में, हालांकि हमारा पूरा जो प्रोग्राम था, सुभेश शर्मन जी ने इसको संचालित किया। सुभेश जी भी एक मतलब दिल्ली में ऐसे कार्यरत व्यक्ति हैं जिन्होंने मतलब इसी पूरा अपना जीवन धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष और इन विद्याओं पे लगा दिया। ब्राह्मण महासंघ है इनका अपना, उसका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उसमें भी ये निरंतर समाज के कार्य कर रहे हैं। अरुण मंसल जी का परिचय मैं कहूंगा कि ये हमारी इस ज्योतिष सभा का एक तरह से मैं कहूंगा कि मील का पत्थर है, या कह लें कि इस सदी के मील के पत्थर है, क्योंकि जो शुरुआत हुई थी इस पूरी कहानी की उसमें गणनाओं की बात हुई थी। तो आज अगर हमें गणनाएं मतलब मिल रही हैं तो वो शायद उसका जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो अरुण बंसल जी को जाता है। बंसल साहब ने 1985 में जब लोगों को कंप्यूटर का नाम नहीं पता था तब उन्होंने इस सॉफ्टवेयर की शुरुआत की थी अपने फ्यूचर फाइंड कंपनी की, और वहां पर आज हम सब बड़े वाइजली कहते हैं कि सब शनि इधर खिसक गया, बृहस्पति इधर चला गया, तो वो सब उनके सॉफ्टवेयर से हमें ऑलरेडी सारी गणित मिल जाती है। ये गणित मिलती है तभी हम सब कुछ बोल पाते हैं, इन्हें 100 साल का पंचांग हुआ या इस तरह की बातें हुई। तो बंसल साहब का इस विद्या में साइंटिफिक योगदान भी बहुत ज्यादा है।
अभी तो उन्होंने इसके प्रिडिक्टिव पार्ट की बात की, तो मैं गणित पार्ट से भी जोड़ता हूँ, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। गुरमीत सिंह जी भी अपने इस के अंदर कई सारी विद्याओं के ज्ञाता है, हालांकि इनकी हम्बलनेस है कि बोलते हैं कि सर मैं भी नया हूँ, पर इन्होंने न्यूमरोलॉजी जिसका भी यहाँ जिक्र नहीं हुआ उस पर बहुत अच्छी महारत है, केपी पे इनकी अच्छी महारत है, वैदिक पे अच्छी महारत है, और नाड़ी पे इनकी अच्छी महारत है। तो इस प्रकार से हमारे बीच सुभेश शर्मन जी जैसे व्यक्ति हैं, गुरमीत सिंह जी जैसे व्यक्ति हैं, और अरुण वंशल जी जैसे व्यक्ति हैं, तो वैसी जो जो वार्ता होगी वो सार्थक क्यों नहीं होगी। कहीं ना कहीं इन सारी बातों से ये तो समझ में आ गया कि सबे सयाने एक मत, मतलब जितने भी समझदार है वो सब एक ही मत है, उससे भिन्न हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर वार्ता का अंत यही निकलता है कि सब ग्रहों से ही संचालित है, चाहे वो राष्ट्राध्यक्ष हो, चाहे हम और आप हो। तो मुझे लगता है कि इस वार्ता में हम चाहे शायद बृहस्पति से संचालित है, क्योंकि बृहस्पति मूल आधार है ज्ञान का। तो यहाँ पे ज्ञान की चर्चा में बहुत अच्छे तरीके से सुवेश जी ने इसका संचालन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी अनुपम जी, एक बात कहना चाहूंगा, इसमें जो वार्ता में शामिल हुए वो दो लोग तो जो है वो मेष राशि के हैं और दो लोग जो है कुंभ राशि के हैं। जो है कहीं ना कहीं शनि के साथ में ही कॉम्बिनेशन हुआ। देखिए देखिए, मेष राशि कुंभ की पराक्रम राशि है और कुंभ राशि उसकी लाभ की राशि है। चलिए, बहुत अच्छा रहा आप सब लोगों का जुड़े, और फिर पुनः जुड़ेंगे, पुनः चर्चा करेंगे। आपने मुझे अवसर दिया इस पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम, जय भारत। City Live, a platform to sharing your thoughts.